आज मैंने बनाया है खस्ता कचौरी, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं और सफ़र पर लेकर जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले हम एक बाउल में डाल देंगे 1/4 कप सूजी, 1/4 कप दही। हम इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे घिसा हुआ आलू। तो ये 2 मीडियम साइज़ के आलू है जिसे मैंने घिस लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच चिली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ 1 कप आटा और थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके इसका भी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले आटे को अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें मुझे एक और आटा डालना पड़ेगा। तो हमें आटा एक बार में नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इस 1 कप आटे को डालना है। तो यहाँ मैंने पूरे 1 कप आटे को डाल दिया है। अब हम इसे मिला देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच तेल। तो आप यहाँ पर कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और सफ़र के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही यूजफुल नाश्ता होता है। तो ये डो यहाँ पर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब आटे को ढके हुए पूरा 15 मिनट हो चुका है। अब हम उसमें से एक लोई ले लेंगे और उसमें सूखा आटा लगा लेंगे और उसे इस तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पूरियों को बेल लिया है। फ्राई कर देते हैं। तो फ्राई करने के लिए पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे छोटा सा लोई डालकर कि तेल गर्म है कि नहीं। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इस तेल में पूरी को डाल देंगे और उसे तेल में ही अच्छे से डिप कर देंगे ताकि पूरी पूरा फूल जाए। तब पूरी को एक साइड से पक चुका है, इसे हम पलट देंगे और इसे दबा दबा कर इसे थोड़ा लाल कर लेंगे ताकि कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से हम सभी पूरियों को तल लेंगे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं मेरे अगले रेसिपी में।